आज फतेह बाबू ने कहा कि वही रोटी सब्जी खाकर बोर हो गया हूँ, कुछ अलग नाश्ता बनाओ। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले एक प्याज को ऐसे रफली हमने कट कर लिया हुआ, इस तरह से स्लाइस में हल्का सा चिप्स कटर से कट कर लिया हुआ। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही इसे छोड़ देना है, और उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा पानी है, उसे हाथों से इस तरीके से हमें निचोड़कर दूसरे बर्तन में रख लेना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा 1/4 चम्मच, और साथ में स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई यहाँ पर धनिया, और सबसे चटपटा बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा अचार का मसाला ऐड करेंगे, और सारी चीज़ों को ऐड करके इसे साइड में रख लेंगे। हमने यहाँ पर आटा गूंथ के रख लिया हुआ था। अब एक छोटी सी लोई लेंगे एकदम, और पूरे चकले के बराबर हमें इसे बेल लेना है। आप चाहें तो इसे की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, तो इस हमें बड़ा सा बेल लेना है, रोटी से थोड़ा बड़ा, और इस तरीके से हमें 2 बनाकर ले लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 रोटी इस तरीके से बनाई। अब जो मसाला हमने प्याज वाला तैयार किया है, अब इसे भर देना है अच्छे से। आप चाहें तो सिर्फ 1 रोटी से भी बना सकते हैं। अब दूसरी रोटी से इसे हमें चारों तरफ से रखकर दबा देना है, और प्रेस दबा कर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है 3 भागों में। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, और तीनों भाग को इस तरीके से हमें ले लेना है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे प्रेस करेंगे इस तरीके से, और सूखा आटा डालकर फिर से हमें रोटी की तरह बेल लेंगे। तो आप समझ गए होंगे आज हम लच्छा पराठा बनाएंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। अब सूखा आटा डालने के बाद इसे मीडियम बेल लेना है, बहुत पतला भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं रखना है, जिससे कि अच्छे से हमारा जो ये लच्छा पराठा है सेक जाए, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये तरीके से हमने इसे बेल लिया हुआ है। तावा गरम करने के लिए पहले से ही हम यहाँ पर रखे हैं। जब एक तरफ हल्की चीटी आ जाए उसके बाद हमें पलटी कर देना है, और इसमें घी, तेल, जो भी आप खाते हो लगा लेना। ये नाश्ता काफ़ी अच्छा लगता है। रोज़ का वही बोरिंग खाना खाकर बोर हो गए हैं तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब एक तरफ हो जाए तब इसी दूसरी तरफ पलटी कर लें हल्की चीटी होने के बाद, और इस तरीके से घी, तेल लगाकर प्रेस करके क्रिस्पी होने तक हमें सेक लेना है। बहुत ही ये टेस्टी लगता है, झटपट से बन जाता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ा सा अलग नाश्ता हम अपने बच्चे या हस्बैंड को देते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें बनाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने इस पराठे को अच्छे से सेक लिया हुआ है इस तरीके से। तो ये देखिए, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया कीजिए। फेसबुक पर अभी तक मुझसे नहीं है तो जुड़ जाइए। यहाँ पर हमने इसे दही के साथ सर्व किया है, आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं या बिना चटनी के भी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। चाय के साथ तो ऐसे ही इंजॉय किया जा सकता है। बहुत ही ये क्रिस्पी कुरकुरी ये नाश्ता तैयार होता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब से ये ज़रूर किया कीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।